हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी हम खोया चला रहे हैं। खोया हम पहले चला चुके थे, तो हमने फ्रिज में रख दिया था, तो थोड़ा कड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा दूध मिला के और इसको ताज़ा कर लेंगे। और फ्रेंड्स, फ्रिज में रखने से काफ़ी दिन से रखा हुआ था, हफ्ते 10 दिन से, तो ये ज़्यादा कड़ा हो गया है, टाइट हो गया है फ्रेंड्स। और खोया फ्रेंड्स हमने अच्छी तरह से उसको गर्म कर लिया, मतलब रेड कर लिया, अच्छी तरह से ताज़ा कर लिया उसको। जब खोया अच्छी तरह से हम लोग गर्म कर लेते हैं और उसको, तब वो ताज़ा हो जाता है फ्रेंड्स और जल्दी ख़राब नहीं होता। और फ्रेंड्स, अब हम आटा, जो मैदा होता है मैदा, उसको एक कटोरी मैदा फ्रेंड्स हमने लिया था छोटी कटोरी से, उसको हमने चाल लिया। और ये अब जा रहे हैं आटे में घी लगाने, मोयन। तो आप अपने हिसाब से, हमने तो 3-4 चम्मच डाला था, मतलब घी आप इतना डालिए और मिलाइए उसको अच्छी तरह, दिखे मुट्ठी बन जाए, तो समझिए आपका मोयन लग गया है, अच्छी तरह से तैयार है। अब फ्रेंड्स इस तरह, अब इसके बाद आप आटा मैदे को सानिए दूध से। हम तो कहेंगे जब भी आप गुजिया बनाएंगे तो दूध से सानिए, काफ़ी अच्छा बनता है, मतलब क्रंची भी रहता है, खस्ता भी और सॉफ्ट भी रहेगा, बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आप लोग दूध से सानिए और जो दूध है इकट्ठा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डाल के और सानते जाइए, मिलाते जाइए, थोड़ा डालिए दूध। हाँ, और फ्रेंड्स इसमें हमने खोया में ही इतना मेवा डाला है, ज़्यादा मेवा नहीं, 2-3 इलायची और काजू बादाम। और फ्रेंड्स, ये खोया हमने ठंडा करने के लिए कढ़ाई से निकाल दिया था। और कढ़ाई, फ्रेंड्स ये देखिए मैदा है जो सना हुआ है। और फ्रेंड्स, अभी हम चीनी निकाल रहे हैं बूरा के लिए, मतलब जो चीनी पड़ता है, बूरा बनता है उसका, हमने बनाया नहीं तो इसमें मिक्सी में वो कर लिया। और मिक्सी में आप जैसा चाहिए वैसा बूरा आपको तैयार होगा, हो जाएगा। जैसे ज़्यादा पीस देंगे तो ज़्यादा वो हो जाएगा, और आराम से पीसिए तो दानेदार भी बूरा तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। और अब हम जा रहे हैं लोई बनाने, मैदा। मैदा को फ्रेंड्स हमने सान के रख दिया था 15-20 मिनट के लिए, फिर इसके बाद फिर और काम करने लगे, काफ़ी काम रहता है ना, तो काफ़ी काम, मतलब और काम करने लगे। जैसे हमने चीनी पीसा और खोया मेवा जो था उसको भी पीसा फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारा, ये 2 लोई ले लीजिए और उसको बेलिए, और इसमें आप छोटी गिलास लास हो तो उससे काट लीजिए। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप जितना मोटा चाहिए लोई उतना मोटा आप आटा, मतलब उतना आटा ले लीजिए और उसको बेल लीजिए और गिलास से काट लीजिए, आपका वो तैयार है। अब आप पूड़ी बेलिए। और फ्रेंड्स, मैदे में परथन नहीं लगता है, जैसे गुजिया बनाते समय परथन नहीं लगता, परथन लगाने से वो ज़्यादा सूखा हो जाएगा तो मतलब बेल नहीं पाएंगे आप, तो इसलिए थोड़ा सा मूंगफली का तेल था फ्रेंड्स, तो मूंगफली का तेल हमने जब पूरी वो बेलने लगे पूरी, तो हमने उसमें लगा लगा के बेला, क्योंकि जब हम परथन लगाएंगे तो फिर वो नहीं बेल पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये हमने मूंगफली का तेल कढ़ाई में डाल दिया, थोड़ी देर गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम ये भरते जा रहे हैं गुजिया। और फ्रेंड, ज़्यादा गुजिया नहीं है, तब भी जितना लोई था उसमें 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम लगा फ्रेंड्स बनाने में और सेकने में, 1.5 से 2 घंटे में फ्रेंड्स इतना टाइम लगा, इसमें तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता फ्रेंड्स। और इस समय फ्रेंड्स गणेश चतुर्थी चल रही है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि गणेश जी को मीठे का भोग लगाया जाए, गुजिया का मीठा, वैसे भी हाँ मीठे का मतलब लगाते हैं, मीठा ही रहता है, मीठी चीज़ का भोग लगाते हैं फ्रेंड्स। तो हमने आज गुजिया बनाई, और जितना आपने आटा देखा होगा लोई, उतना आटा में हमको 2 घंटा लगा फ्रेंड्स। और ये देखिए हम बनाते जा रहे हैं और इसको तलते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं।
और फ्रेंड्स इसकी जो आँच होगी, गैस का जो फ्लेम होगा, उसको आप लोग स्लो रखिएगा, तेज नहीं। तेज पे गुजिया अच्छी तरह सिकती नहीं है और मुलायम हो जाता है। और इस पे स्लो आँच करिए, मीडियम आँच, स्लो आँच करिए, ये धीरे 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 होता रहे और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स हम गुजिया बना रहे हैं, देखिए बनके हमारा रेडी है। और फ्रेंड्स गुजिया हमारी बन गई, अब चलते हैं प्लेटिंग लगाने। और ये देखिए लगा रहे हैं फ्रेंड्स, कहीं एक का फूट उड़ गया था थोड़ा सा एक आध, तो इस वजह से गुजिया में लाल लाल रेड रेड हो गया। वो लग जाता है ना कढ़ाई में, जब हो जाता है तो फूट जाती है गुजिया, थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है तो फूटती है। और फ्रेंड्स हमने एक मोदक भी बना लिया गणेश जी के लिए, ये देखिए हाथ से डिजाइन करके। और आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स अगर हमारा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स हमने गणेश चतुर्थी पर आज गुजिया बनाया, और नेक्स्ट मतलब गणेश चतुर्थी जब तक गणेश जी रहेंगे, किसी के यहाँ 5 दिन रहते हैं फ्रेंड्स, तो और किसी के यहाँ 7, 5, 7 और 10 ऐसे गणेश जी को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स गणेश चतुर्थी अभी 10 दिन तक रहेगा, तो उसमें हम एकाध मतलब भोग और प्रसाद आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए गुजिया और प्लस मोदक बनाया है हमने, ये देखिए बना के हमने रख लिया।